टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और साथ ही क्रिकेटर सुरेश रैना काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी रहती है। वहीं आपको बता दें, धोनी ने 15 अगस्त की शाम इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा तो कुछ मिनट बाद ही रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। धोनी की कप्तानी में रैना टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और इंडियन प्रीमियर लीग चेन्नई सुपर किंग के लिए भी खेलते हैं। दरअसल आपको बता दें, रैना ने रिटायरमेंट की घोषणा के बाद धोनी से गले मिले और दोनों काफी रोए भी थे। दरअसल आपको बता दें, रैना के रिटायरमेंट के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने महज 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। सूत्रों की माने तो रैना ने कहा, मुझे पता था कि धोनी चेन्नई पहुंचने के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले हैं, तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। मैं, पीयूष चावला, दीपक चहर, कंच शर्मा 14 अगस्त को चार्टर्ड प्लेन से रांची पहुंचे और माही भाई मोनू सिंह को पिक किया। धोनी ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी तो एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें धोनी रैना के पास खड़े थे और उनकी आंखें भरी हुई थी। धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना भी इससे अलग नहीं था। रैना ने बताया कि संन्यास के फैसले के बाद हम दोनों गले लगे और काफी रोए भी। वहीं आपको बता दें, हाल ही में धोनी का एक मिलिट्री वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मुकेश कुमार का गाना पल दो पल की कहानी गाया है। दरअसल आपको बता दें, धोनी और रैना जब चेन्नई में मिले तो वो दोनों गले लगकर काफी रोए थे और धोनी और रैना ने मुकेश कुमार का गाना पल दो पल की कहानी गाना भी गाया था। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।